be strong. हेलो वेलकम फ्रेंड्स इन अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। सभी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं, लेकिन उसको प्रूफ अगर करना हो तो प्रूफ करके कैसे दिखाएंगे। आप सभी जानते हैं कि समकोण, किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। दैट मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर होता है। इसको हमको अगर प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए हम लोग को एक हमको एक लाइन सेगमेंट लेना पड़ेगा। लाइन सेगमेंट में कोई एक मार्क कर देंगे, किसी भी हिसाब से आप मार्क कर दीजिए और एक साइड ए लिख दीजिए, एक साइड बी उसका नाम रख दीजिए। लाइन सेगमेंट लेने के बाद उसी लाइन सेगमेंट के हिसाब से आप एक स्क्वायर बना लीजिए और जहाँ पर आपने पॉइंट लिया था, जिस लेंथ का ए और बी लिया था, उसी लेंथ में बाकी साइड में आप लोग पॉइंट लेकर ए बी आप उसको साइन लगा सकते हैं और जहाँ जहाँ पॉइंट मिला उसको आप कनेक्ट कर दीजिए और बीच में ये स्क्वायर बन जाएगा। मेक ए स्क्वायर देन मार्क ए बी अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ ए बी देन जॉइन द पॉइंट्स। नाउ सी हियर अकॉर्डिंग टू फिगर एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, सो वी कैन राइट ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड टोटल एरिया ऑफ इनर साइड। इनर साइड में देखिए अब कहाँ कहाँ पर फिगर बन रहा है, सी स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स हाफ ए बी, दैट मीन्स वहाँ ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट और हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। सो फोर टाइम्स ट्राइंगल बन रहा है तो फोर इंटू हाफ ए बी। सो हियर ये फोर और टू कैंसल हो जाएगा तो आपका सी स्क्वायर प्लस फोर, सो यहाँ कैंसल नहीं करें फिलहाल तो। सो एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर और एरिया ऑफ इनर स्क्वायर बोथ आर इक्वल, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर वी कैन राइट ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। हियर वी कैन राइट सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सो वट विल कैंसल टू ए बी एंड टू ए बी विल कैंसल, सो वी कैन राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इस तरह हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो जाता है। तो अगर यहाँ वीडियो हमारा समाप्त होता है तो वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।